तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम है, कृष्ण खुदा हुआ। तू ही वाहे गुरु, तू ही ईसा मसीह, हर नाम में तू समा हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर सेवन और मैं हूं कुमार गौरव। आज हम उपस्थित हैं परैया के एक ऐसे विद्यालय में जिस विद्यालय को देख करके आप सच में चौंक जाइएगा, क्योंकि ये विद्यालय का जो इतना बेहतरीन कंडीशन है जिसे देख करके आपको लगेगा नहीं कि ये जो परसद मध्य विद्यालय है वो बिहार का है। क्योंकि ज़्यादातर जो चैनल में स्कूल का कंडीशन जो बिहार का दिखाया जाता है वो काफ़ी जर्जर दिखाया जाता है, लेकिन और सभी स्कूलों से जो आज हमारे चैनल से आपको जिस स्कूल से हम आपको रूबरू कराएंगे उसका कंडीशन जो है यहाँ के और सब विद्यालय से काफ़ी बेहतरीन है। आइए हम यहाँ के कुछ विद्यार्थी से आपको रूबरू करवाते हैं। ये जो विद्यालय जो स्थापित है वो 1935 से स्थापित है। यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के विद्यार्थी हैं वो फुल्ली जो है वो ड्रेसअप में है, और कितना बेहतरीन इनका ड्रेसअप सेंस है वो आप देख करके आप जान सकते हैं कि जो ये विद्यालय है वो कितना बेहतरीन है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। सोनी कुमारी। जो अभी हम इस विद्यालय के बारे में बताए हैं कि यह विद्यालय जो है वो काफ़ी बेहतरीन है, हम सच बोल रहे हैं या फिर कुछ हमें जानकारी की कमी है? सच बोल रहे हैं। ये विद्यालय में आपको पढ़ करके कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये प्रयाग का फेमस है। क्या है मतलब सरकारी विद्यालय बहुत ही अच्छा है, प्रयाग का बहुत बढ़िया विद्यालय है। यस। आप अपना नाम बताएंगे पहले। सनी कुमार। इस विद्यालय में जो क्लास और जो सेशन चलता है, जो रेगुलर क्लास चलता है, वो रेगुलर सही तरीके से क्लास चलता है मतलब बेल बाई बेल, या फिर कभी कोई टीचर यहाँ पर अनुपस्थित भी रहते हैं? हाँ, सब टीचर उपस्थित रहते हैं। ठीक है। आप और आइए, हम किन्हीं से और भी यहाँ पर विद्यार्थी हमारे बीच में उपस्थित हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। किस थोड़ा खड़ा हो जाइएगा आप। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं हमारे चैनल को। मेघा कुमारी। आप बताइए कि यहाँ मिड डे मील का व्यवस्था रहता है? डरना नहीं है। मिड डे मील मतलब मध्यम भोजन का, जो दोपहर में जो मिलता है। हाँ, उसका। हाँ, कैमरे की तरफ देख करके बोलिएगा। हाँ, रहता है। तो मतलब है कि डेली क्या एक ही भोजन यहाँ पर बनता है, या फिर जो वीकली जो शेड्यूल है उसके अनुसार, मेनू के अनुसार शेड्यूल बनता है? अच्छा, शेड्यूल के अनुसार बनता है। हाँ, ठीक। आइए हम बात करते हैं, और भी हैं कुछ विद्यार्थी, खड़ा होना, थोड़ा एक सवाल पूछेंगे, ठीक है? अभी बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान के कौन हैं? श्री नीतीश कुमार। यस सर। और हमारे देश के प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र मोदी। यस, ठीक है। और हम थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये विद्यालय देख करके हमको इतना खुशी हो रहा है, हमको विश्वास नहीं था कि हमारे जिला में और हमारे परैया प्रखंड में इतना भी बेहतरीन जो है वो विद्यालय देखने में। और सच में जो है यहाँ के बच्चे और शिक्षक को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, खास करके शिक्षक को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो बिहार के बारे में काफ़ी अफवाह है कि यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी बदतर है। हाँ, अब थोड़ा खड़ा होना तुम। आपका जो विद्यालय है वो रेगुलर कितने बजे जो है वो स्टार्ट हो जाता है? दस बजे क्लास में 10 बजे स्टार्ट। प्रार्थना 9 बजे प्रार्थना। थोड़ा सा आप दो बच्चे खड़ा होंगे, ठीक है, दो स्टूडेंट, तो इधर से ही खड़ा कर लेते हैं।
दोनों खड़ा हो जाएगा, तीनों खड़ा हो जाएगा थोड़ा साथ। जो आपका स्कूल में जो सुबह में प्रार्थना होता है वो थोड़ा सा सुनाइएगा, थोड़ा सा दो लाइन, दो लाइन सुनाइएगा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम है, कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू ही ईसा मसीह, हर नाम में तू समा हुआ, तेरे जात पात कुरान में, तेरा दर्श भेद पुराण में, गुरु ग्रंथ जी के बखान में, तू प्रकाश अपना दिखा रहा, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही तो आप ये देख करके अचंभित नहीं रहिएगा कि हम किसी CBSE स्कूल में हैं। हम आपसे, आप दर्शकों से बात कर रहे हैं। ये जो बच्चियां हैं ये हमारे बिहार के सर गवर्नमेंट स्कूल की बच्चियां हैं, जो इतना बेहतरीन प्रार्थना का जो है प्रस्तुति आपके सामने की है, समझ गए। ये गया जिला परैया प्रखंड के मध्य विद्यालय परिषद मध्य विद्यालय में हम आज उपस्थित हुए, और यहाँ आ करके हमको इतना ज़्यादा खुशी हुआ है कि इतना बेहतरीन विद्यालय और इतना बेहतरीन बच्चों से आज मेरा मुलाकात हुआ। क्योंकि हमें और काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि बिहार के विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता, लेकिन आज जब आप हमारे चैनल से इस विद्यालय से रूबरू होंगे तो आपके आपका जो आपके अंदर जो गलत फहमियाँ हैं बिहार के सरकारी स्कूल को लेकर के वो दूर हो जाएगा।